आपणक पिलांकर जदि आंठगंठी जंत समस्या रहिछि ताले पैनिक होंतुनी बा डरंतु नाही, यार चिकित्सा संभव। फिजिओथेरापी मध्य रहिछि एथिपई जेंति बड़ मानकर फिजिओथेरापी करा जाय सेंति छोट पिलांक क्षेत्र रे मध्य फिजिओथेरापी एक्सरसाइज रहिछि। बैलेंस एक्सरसाइज कथा कोंतु बा पानी रे एक्सरसाइज, ए सब एक्सरसाइज करा जाय कारण कहा जाउछि अनेक पिला अछन्ते से माने दौड़ी परंतिनी चाली परंतिनी, अनेकंक फ्लैट पाद मध्य रहिछि जो माने समस्या टिके अधिक भोगी थांती बा सेमानकर जंत्रणा टिके अधिक होइथाय। तेबे फिजिओथेरापी द्वारा किबोली भाबे समस्या रे से माने मुक्ति पाई परबे आसंतु देखिबा आम फिजिओथेरापिस्ट कोन कहउछन्ते। आमे पाक जो गोटे छोट पिला आसे से कम्प्लेन कैनि पेन बोली तार प्यारेन्ट्स बापा माँ मैंने कहती से चली पारुनी ठीक से दौड़ी पारुनी और सीढ़ी चढ़ला बेले पड़ जाऊँगी, तो से आम देखु तार स्ट्रेंथ केते अच्छी गोटे आसेसमेंट आम करूँ मसल स्ट्रेंथ गोड़ केते स्ट्रेंथ अच्छी से ठिया ही पारुचि ना ना चलला बेले तार कौ मसल्स विक् अच्छी आम आसेसमेंट करूँ। सबुठ इम्पोर्टाट आम पाक आसती तीन वर्ष रु चार वर्ष पिला फ्लाट फुट नहीं, फ्लाट फुट मैंने आपण देखिथिबे पादरे समस्त गोटे आर्च थाए मीडियल आर्च ताकू कहंती मझी पादरे ताकू आर्च थाए, छोटो पिलांकर सेई पादर आर्चटा नथाए ताकू कहंती फ्लाट फुट, सेइथिपई पेन हुए आंकल जॉइंट आउ नी जॉइंट आउ इन फ्यूचर हिप जॉइंट रे भी पेन हुए, तो ताकू मॉडिफिकेशन्स करिवा पई आमे फिजिओथेरापिस्ट माने किछि एक्सरसाइज ताकू बतेइ थाउ जेमिति कि गोटे टॉवेल को पादर आंगुठी रे टाणीबा, टोरे स्टैंडिंग हबा, हील रे स्टैंडिंग हबा, आउ किसी एक्सरसाइज गोटे आर्च मोडिफिकेसन करूँ पीओ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स जो मैंने था पेसेंट को पठाऊ मीडियल आर्च गोटे दे माने से जो जोता पिंधे से जोता को ठीक मीडियल साइड रे आर्च बढ़ाऊ मीडियल आर्च मोडिफिकेसन करूँ। आउ गोटे मेजर कॉज आसे आंठू दीटा देखिथे ठिया हेले छोट पिला माने आंठू दीटा लगिकि थाए आइदर जेनु भालगम और जेनु भारम डिफर्मिटी कहतु कहती आम किसी ब्रेस आउ किसी एक्सरसाइज ब्रेस मीन्स कौन मोडिफाइड ब्रेस ताकू कहती जो पट को आंठूटा ढलुची आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड जो पट को आंठूटा अधिक ढलुची ताकू आम गोटे ब्रेस दे कि मोडिफिकेसन्स करूँ। आउ किसी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहूँ जमीक थाइर बाहर पट मसल्स आबडक्टर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है आडक्टर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है एगुटा कहूँ। पिलाटी ठीक से चली पार्चि ना ना तार आम गोटे गेट आसेसमेंट गेट आनालीसीस करूँ छोट पिलाटा चलला बेले तार लेफ्ट साइड पादटा डाहाण को पड़ुची राइट साइड पादटा बाँ पटे पड़ुची, सो देर इज ए डेविएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो अच्छी से फोर्सटा मैंने एनी डेविएशन हो तार बॉडीटा फॉरवर्ड जाऊँगी कि और बैकवर्ड जाऊँगी कि आसेसमेंट कर आम पोस्चरली करेक्ट करने ट्राए करूँ जमीक बालांस एक्सरसाइज आउ गोटे बढ़िया एक्सरसाइज थे बयांसी मैंने आम पा भितर एक्सरसाइज करके तार मसल स्ट्रेंथ करने चेष्टा करूँ। आ गोटे पिलामानंकर पेरेंट्स माने आसिकी कहंती कि आम पिलाटा ठीक से दौड़ी पारुनी अन्य पिलांक संगे स्कूल ले खेलला बेले से कंपिटेंट रे दौड़ी पारुनी चलला बेले पड़ जाउची आउ सीढ़ी चढ़ला बेले दुईटा पाहाज चढ़ला बेलू से आउ चढ़ी पारुनी। आ गोटे हला बसिकी सिटिंग रु उठी पारुनी से ता गोड़ हाथ रे भरा दे कि उठुची सेटा को गोटे माने क्लिनिकल फीचर्स हिसाब से आम देखू इट्स कॉल्ड एज लाइक कहती गोटे मस्कुलर डिस्ट्रोफी माने गोटे डिजीज जोटा कि पिलार मसल्स गुड़ा धीरे 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 विक् हो जाए पिला ठिया हो पारे चली पारे दौड़ पारे सो ताको आम जो न्यूरोलॉजिस्ट पाक पठे प्रॉपर्ली असेसमेंट करके डायग्नोसिस पहुँचू तापर रोल ऑफ फिजिओथेरापी तार डिफरेंस अच्छे। सो मोर कहार मतलब है असेसमेंट इज इम्पोर्टाट जदि पिलार चली पारुनी दौड़ी पारुनी खेल बेलू डिफिकल्टी होसेसमेंट करी प्रॉपर्ली आम ट्रीटमेंट कले बेटर हम।